गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सोशल साइंस। टुडे वी विल कंटिन्यू हिस्ट्री चैप्टर 6, पेज नंबर 75, पैराग्राफ 2। एबेंडन फर्नेसेस इन विलेजेस। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th century. In Bihar and Central India, in particularly every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. The furnaces were most often built of clay and sun-dried bricks. The smelting was done by men, while women worked the bellows, pumping air that kept the charcoal burning. Now come to the page number 76. वुड स्टील के प्रोडक्शन में आयरन की रिफाइनिंग के लिए एक हाईली स्पेशलाइज टेक्निक की ज़रूरत होती थी। 19th सेंचुरी के आखिर तक इंडिया में आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस एक कॉमन प्रोसेस थी। बिहार और सेंट्रल इंडिया के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर्स थे जो आसपास मिलने वाले आयरन ओर का यूज़ आयरन बनाने में करते थे। इस आयरन का यूज़ टूल्स और दूसरी वस्तुएं बनाने में किया जाता था। फर्नेसेस ज़्यादातर मिट्टी और सनड्राइड ब्रिक्स से बनाई जाती थी। स्मेल्टिंग का काम पुरुष करते थे जबकि औरतें धोखनी चलाती थी। धोखनी से निकलने वाली हवा के कारण फर्नेस का कोयला लगातार दहकता रहता था। बाय द लेट 19th सेंचुरी हाउएवर द क्राफ्ट आयरन स्मेल्टिंग वॉज इन डिक्लाइन इन मोस्ट विलेजेस। फर्नेसेस फेल इन टू डिसयूज एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम डाउन। वाई वॉज दिस सो? वन रीजन वॉज द न्यू फॉरेस्ट लॉज दैट यू हैव रेड अबाउट चैप्टर 4। वेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट, हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर्स फाइंड वुड फॉर चारकोल? वेयर कुड दे गेट आयरन ओर? डिफाइंग फॉरेस्ट लॉज दे ऑफन एंटर्ड the forest secretly and collected wood, but they could not sustain their occupation on this basis for long. Many gave up their craft and looked for other means of livelihood. नाइनटीन सेंचुरी के आखिर तक आयरन स्मेल्टिंग क्राफ्ट समाप्त होने लगा था। ज़्यादातर गाँव में फर्नेसेस का कोई यूज नहीं रह गया था और आयरन प्रोडक्शन भी कम होता जा रहा था। ये सब क्यों हुआ? इसका एक कारण तो वे नए फॉरेस्ट लॉस थे जिनके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लोगों की रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री बंद कर दी तो आयरन स्मेल्टर्स आयरन ओर और चारकोल बनाने के लिए वुड आयरन स्मेल्टर्स को आयरन ओर और चारकोल बनाने के लिए वुड मिलना कठिन हो गया। फॉरेस्ट लॉ के बावजूद आयरन स्मेल्टर चोरी छुपे जंगलों में घुस जाते थे और लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, लेकिन इस प्रकार वह अपना ऑक्यूपेशन लंबे समय तक चालू नहीं रख सकते थे। इस कारण कई आयरन स्मेल्टर्स ने अपना यह काम छोड़ दिया और लाइवलीहुड के दूसरे साधन ढूंढने लगे। इन सम एरियाज द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट, बट द आयरन स्मेल्टर्स हैड टू पे अ वेरी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज्ड। दिस रिड्यूस देयर इनकम। कई एरियाज में गवर्नमेंट ने जंगलों में लोगों को जाने की परमिशन तो दे दी थी, लेकिन आयरन स्मेल्टर्स को अपने प्रत्येक फर्नेस के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, जिस कारण उनकी इनकम कम हो जाती थी। मोरओवर By the late 19th century, iron and steel was being imported from Britain. Iron smiths in India began using the imported iron to manufacture utensils and implements. This inevitably lowered the demand for iron produced
बाय लोकल स्मेल्टर्स। 19वीं सेंचुरी के आखिर तक ब्रिटेन से आयरन और स्टील का इंपोर्ट भी होने लगा था। इंडिया के आयरन स्मिथ्स मीन्स लोहार यूटेंसिल से दूसरी चीज़ें बनाने के लिए ब्रिटेन से इंपोर्टेड आयरन का यूज़ करना शुरू कर दिया। इस कारण लोकल आयरन स्मेल्टर्स द्वारा बनाए गए आयरन की डिमांड कम हो गई। बाय द अर्ली 20वीं सेंचुरी द आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड अ न्यू कॉम्पिटिशन। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में आर्टिसंस के सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ए वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आयरन स्मेल्टिंग वॉज एट वन टाइम अ वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री इन इंडिया एंड देयर इज हार्डली अ डिस्ट्रिक्ट अवे फ्रॉम द ग्रेट एलुवियल ट्रैक्ट्स ऑफ द इंडस गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र इन विच स्लैग हीप्स आर नॉट फाउंड। फॉर द प्रिमिटिव आयरन स्मेल्टर्स फाइंड नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग सफिशियंट सप्लाइज ऑफ ओर फ्रॉम डिपॉजिट्स दैट नो यूरोपियन आयरन मास्टर वुड रिगार्ड एज वर्थ हिज सीरियस कंसिडरेशन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुराने समय से आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री पूरे इंडिया में प्रचलित थी। रिवर गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र के विशाल एलुवियल क्षेत्रों के अलावा शायद ही ऐसी कोई जगह थी जहां स्लैग हीप नहीं मिलता था। स्लैग मीन्स ओर में से मेटल निकालने के बाद बचा हुआ वेस्ट पार्ट। इंडिया के प्रिमिटिव आयरन स्मेल्टर्स के लिए ऐसे ओर में से आयरन प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं था। जिन डिपॉजिट्स से कोई आयरन यूरोपियन आयरन मास्टर आयरन प्राप्त करने के बारे में सोचता भी